मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। बात करने से पहले आपको बता दूं, अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। आज आपको बताऊं, मैं कल आईएमए का जो अपडेट हुआ, ताहिर भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा बिजी थे इसलिए उनको बुला नहीं पाया। आज ताहिर भाई हमारे साथ हैं और कल के अपडेट के बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे। पहला सवाल ताहिर भाई आपसे कि बहुत सारे लोग जो बर्ड एक्ट बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं पहले उसमें को आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले कल के हेयरिंग के बारे में छोटा सा ब्रीफ अपडेट दे देता हूँ। कल हेयरिंग में जो बेसिकली जो भी डायरेक्शंस हुए, क्योंकि अब आपको सबको मालूम है कि अब तक जो अटैचमेंट का नोटिफिकेशन आया था, वो तो अब लोग, हमने बोला था जैसे पहले भी कि अब वो लोग क्लेम के लिए एक नोटिफिकेशन देंगे, फिर उसके वो क्लेम का नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को एक महीने के अंदर क्लेम करना पड़ेगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या बताया कि हम लोग अब तक नोटिफिकेशन नहीं दे पाए। इसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट से हमने अब तक 30 स्टाफ पूछा है और इमीडिएट बेसिस में 5 स्टाफ्स को भी रिक्रूटमेंट के लिए बोला है। और जो ऑनलाइन पोर्टल, वो जो सोच रहे हैं जिससे कि जो लोग बाहर बेंगलोर के बाहर हैं वो अपना क्लेम ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकें या सबमिट कर सकें, इसके लिए वो लोग अभी वो पोर्टल भी बना रही हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, अब तक जो है क्लेम का नोटिफिकेशन, जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं कब आएगा बोल के, अब तक वो इसलिए उन्होंने नहीं क्लेम का नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया है। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या दिया है कि 2 वीक के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट जो मिनिमम इमीडिएट 5 स्टाफ है उसको अपॉइंट करना और विद इन 4 वीक के अंदर ये 25-30 स्टाफ्स को टोटल को अपॉइंट करना बोल के सुप्रीम हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है स्पेसिफिकली। दूसरा, जो बेसिकली जो इसमें कल का जो प्रोसीडिंग में क्या हुआ है, जो फाइन ट्यूनिंग हुई है, यानी कि कंपिटेंट अथॉरिटी इज अ लोन पर्सन, उसको काम के लिए कुछ लोग भी चाहिए और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत मदद चाहिए। तो अब तक उस स्टेट गवर्नमेंट इफेक्टिवली उनको कॉपरेट नहीं कर रही थी, इवन ना ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉपरेट कर रही थी, ना ही सीबीआई कॉपरेट कर रही थी। तो कल स्पेसिफिकली डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट विद इन 2 वीक के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 5 स्टाफ को मुहैया कराना और विद इन 4 वीक्स के अंदर पूरे 30 स्टाफ्स को कराना जी। और सीबीआई को जो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, क्योंकि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिफिकेशन भी एक चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा स्वर्णा टीवी का एक न्यूज़ आया था जिसमें लोग बोल रहे थे केपीआईडी एक्ट नहीं, सीबीआई ने इंक्लूड नहीं किया। जिसकी वजह से अब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुआ और लोग बहुत परेशान हुए, आपको ही फ़ोन किए होंगे, मुझे उसमें बहुत फ़ोन किए। तो मैं उसकी हकीकत बताता हूँ मैं आपको। सीबीआई जो काम करती है दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में काम करती है, तो दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर कुछ जो लॉज है उसका नोटिफिकेशन है किस लॉ के अंदर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो केपीआईडी एक्ट उसके अंदर नोटिफिकेशन नहीं है, चूंकि चार्जशीट डालना जरूरी था, अगर चार्जशीट नहीं डालते तो जो लोग थे ना उनको इमीडिएट बेल मिल जाती थी। तो सीबीआई ने एक प्रिलिमिनरी चार्जशीट डाली और सीबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट को एक रिक्वेजेशन भेजा कि केपीआईडी एक्ट को आप नोटिफाई करो ताकि उसमें हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो केपीआईडी एक्ट इज नॉट इन्वोक्ड, मगर सब्सिक्वेंटली में आ जाएगा वो जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देंगे। तो जो स्वर्णा न्यूज का था वो बेसलेस न्यूज था, उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। ये सब ये क्लैरिफिकेशन के लिए मैं चाहता था लोग करूं बोल के। दूसरा, आपने जो बट्स एक्ट बताया, एक चीज और पूछ लूं कि ये जो एसआईटी से सीबीआई में गया, इसकी वजह से आपको लगता है कि जो स्लो प्रोसेस हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण है? नहीं, देखिए, जो एक्चुअली जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, ट्रांसफर पीरियड, हमेशा क्या होता है, किसी भी एसआईटी से सीबीआई आए, सीबीआई से लोकल पुलिस जाए, इसमें हमेशा टाइम लगता है, क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करना, फिर सीबीआई वर्क करते स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो उनका एक अलग नोटिफिकेशन होता है, वो नोटिफिकेशन होने के बाद वो लोग अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स को, और ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के बाद वो एक प्रोसेस चलता है, तो ऑलरेडी वो एक महीना उसमें वेस्ट हो गया उस प्रोसेस में। तीसरा, सीबीआई ने एक स्पेशल टीम बनाई है इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसमें आईजी लेवल का ऑफिसर उसमें कर रहा है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो कर रहा था वो एक डीसीपी लेवल का ऑफिसर कर रहा था, अब ये जो कर रहा है आईजी लेवल, आईजीपी लेवल का ऑफिसर कर रहा है, विच इज हायर इन रैंक। तो इसमें क्या है, बहुत इफेक्टिव होने का चांस है, तो लोगों को बिल्कुल डिसअपॉइंट होने का नहीं है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग उसमें सीबीआई से उम्मीद कर सकते हैं, वो एक सही इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जो मेरा व्यू शुरू से है, मैं अभी भी बताता हूँ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अच्छी करती है और पॉलिटिकली वो लोग हमेशा खेलते हैं सीबीआई से लेकर। तो ये बताइए, जो बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं बर्ड एक्ट, इसके लगाने से दो चीज़ें, कि क्या काम करने में डिले हो जाएगा, और दूसरा, क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, बर्ड्स एक्ट्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, केपीआईडी एक्ट और बर्ड्स एक्ट का एक ही प्रोविजन्स है,
उसमें भी सेम अटैचमेंट होना है, उसमें ही लिक्विडेशन होना है, उसमें भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होना है। मगर बर्ड्स एक्ट में क्या होगा, इस स्टेज में बर्ड्स एक्ट नहीं लग सकता, क्योंकि अगर बर्ड्स एक्ट जैसे ही इन्वोक होएगा तो जितनी भी FIR रजिस्टर्ड हुई है वो पूरी क्वैश हो जाएगी। अच्छा, तो काम और डिले हो सकता है? नहीं, केस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, पूरा जो प्रोसीजर अटैचमेंट का पूरा क्वैश हो जाएगा। तब क्या करोगे आप? मंसूर भी बाहर आ जाएगा और जो लोग पकड़े गए हैं, जो भी प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। एक्चुअली पता है क्या होता है सब में, ये पॉलिटिशियन लोगों की आदत है मासूम लोगों को घुमाने के लिए एक एक पॉइंट देते रहना। तो मुझे क्या लगता है, जो लोग भी बट्स के बारे में बात करते हैं उनका भी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हो सकता है, ठीक है, इसके लिए वो घुमा रहे हैं। मगर बट्स एक्ट और KPID एक्ट में कुछ भी फर्क नहीं है। अच्छा, लोग बोल रहे हैं उससे हमें जल्दी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, पैसा सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के बाद ही मिलेगा, मिलेगा चाहे वो बट्स एक्ट हो चाहे KPID एक्ट। जब तक माल बिकेगा, अगर बेडी बट्स एक्ट अगर इन्वोक हो गया किसी भी स्टेज में, अगर इन्वोक हो गया तो उसको फायदा सिर्फ एक्यूज लोगों को होगा, इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टर को वही फायदा होगा, इन्वेस्टर्स को और डिले होगा, क्योंकि बट सेक्ट को पूरी अथॉरिटी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट करने के लिए, तो वो पूरे प्रोसेस को डिले कर देगी। तो जब तक प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, जो भी जायदाद है बिकेगा नहीं, मिलेगा नहीं आपको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा, अब तो ये बिल्कुल ही बहस बेमानी है बट्स। और कुछ मैंने सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ताहिर करेगा तो बट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ताहिर ना ही बट्स करेगा, क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है। मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेबल नहीं। मगर हाँ, कोई अगर बोलता है नहीं भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो भी अगर चाहता है बट्स एक्ट, वो आराम से कोर्ट में जाके एजिटेट करके बट्स एक्ट इन्वोक करा सकता है ना। इतने दिन से कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, इतने दिन से लोग बोल रहे हैं, क्यों ये जाके इन्वोक कराए नहीं जाके, क्यों कोर्ट को कन्विंस फायदा नहीं है तो क्यों आने नहीं, कोर्ट भी कन्विंस नहीं है। ये आप बताओ, इसमें आर्गुमेंट हुआ है, कोर्ट ने मना किया था ना, आर्गुमेंट हुआ है, सीनियर काउंसिल ने आर्गुमेंट किया है, तो जज ने उसको बहुत बिकॉज सीनियर काउंसिल था इसलिए ज्यादा रिमार्क नहीं दिए, नहीं तो जज ऑल्सो वॉज, जज ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उसने बट्स एक्ट का आर्गुमेंट, तुम एक्यूज की तरफ हो या डिपॉजिटर की तरफ हो? अच्छा, अगर तुम डिपॉजिटर की तरफ हो तो डोंट आर्ग्यू ऑल इन दिस वे, बोल के कोर्ट ने स्पेसिफिक बोला है। तो ये बिल्कुल बेईमानी है, और जिसको लगता है बर्थ सर्ट सही हो जाके इन्वोक करा लो, उसमें क्या है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी ये जो स्लो प्रोसेस चल रहा है तो चलो एक स्ट्राइक करते हैं और ये सब करते हैं, क्या इससे कुछ फायदा है? देखिए, स्ट्राइक का जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी कभी जिंदगी में स्ट्राइक नहीं कर सकती। हाँ। जो लोग भी स्ट्राइक बोल रहे हैं टेलीग्राम में ग्रुप में बैठ के, व्हाट्सएप ग्रुप में बोल रहे हैं, वो क्या करो, सिंपल सा हम लोग कर सकते हैं नहीं करते, इसका एक टेस्ट बता देता हूँ सिंपल सा। जिस भी ग्रुप में है, अब मैं 5,000 लोग हैं, 2,500 लोग, उनको बोलो भाई तुम ना 3 दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, वो पूरे मेंबर, अगर 3 दिन वो तहज्जुद नमाज पढ़ ली है कंटिन्यूसली तो दे वे क्वालिफाई वन टेस्ट कि भाई वो लोग स्ट्राइक कर सकते हैं। मगर इसमें स्ट्राइक कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैटर कोर्ट की प्रोसीडिंग में अंदर है और पूरा हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है हाई कोर्ट जिस तरीके से मॉनिटर कर रहा है वो इट इज गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन। Hopefully we will going to get very good result if we stick with the proceedings. ठीक है, अच्छा, तो स्ट्राइक से कुछ होने वाला नहीं है और हम लोग कर भी सकते नहीं। वो बेकार में एक लोगों को घुमाने का तरीका है, स्ट्राइक करो, भूख हड़ताल करो, मैं भूख हड़ताल कर लूंगा, वो ऐसा हो जाएगा वैसा। भूख हड़ताल एक दिन नहीं कर सकता आदमी, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बोलने की बात है, वो सिर्फ अपना एजेंडा वो प्लेस करने के लिए। तो क्या लगता है ओवरऑल आपको कि लोगों का पैसा और मिलने का उम्मीद लगता है? देखिए, मैं जैसे आपको बताया कि इसमें जो KPID एक्ट के अंदर में है, जो अभी इसकी प्रॉपर्टी जो भी सीज है, इसमें कुछ ED ने भी कुछ प्रॉपर्टी सीज की थी, अब तक ED की प्रॉपर्टी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो मैंने लास्ट परसों यानी कल मैंने एक एप्लीकेशन भी डाल दी जिसमें कि ED की प्रॉपर्टीज इसको सेव कर ट्रांसफ़र करने को, अगर ये पूरी प्रॉपर्टीज़ का लगाएंगे तो हम हिसाब तकरीबन 1100 करोड़ आएगा, 1100 या 1000 करोड़ तक टोटल बनेगा। ये 1000 करोड़ को लिक्विड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें जब तक वो लिक्विड होता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा उसको, और लिक्विडेशन के बाद सबको 30-35% की गारंटी है जो कि मिलने का चांस है। तो इसमें कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद सबको उतना पैसा मिलेगा गारंटी। अच्छा, ठीक है। मगर इसमें एक और चीज़ जो मैं बोल रहा था विक्योरस लाइबिलिटी के बारे में, तो विक्योरस लाइबिलिटी का मैंने ऑलरेडी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, मैंने एप्लीकेशन ही बना दी है, रिट पिटीशन ही बना दी है, और रिट पिटीशन विल बी लिस्टेड बिफोर द सेम जज। ठीक है, मगर मैं अब तक क्यों नहीं उसे फाइल किया, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि लास्ट वीक में क्या कर दिया, CBI ने चार्जशीट फाइल कर दी, तो उस चार्जशीट के अंदर बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि मेरे कंटेंशन को सपोर्ट करता है, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। वंस आई रिसीव द कॉपी, मैं
फिर इमीडिएटली वो रिट पिटीशन फाइल कॉपी मिल जाएगा, तो उसका जो आपके हक में सपोर्टिंग लाइन होगा वो पॉइंट्स को हम लेके उसे फाइल कर देंगे डॉक्यूमेंट्स को। ताहिर भाई एक चीज़ और बहुत अहम है कि लोगों ने बोला TDS के बारे में क्या हुआ, उसका कुछ अपडेट दीजिए। हाँ देखिए, मैंने लास्ट डेट में एप्लीकेशन डाली थी जिसमें बोला था मैंने कि कंपिटेंट अथॉरिटी कोर्ट डायरेक्शन दे कंपिटेंट अथॉरिटी को जो TDS अमाउंट जो भी डिपॉजिट किया है 2010 से लेके 2019 तक उसको क्लेम करके आपके कॉर्पस में डालना ताकि वो पैसा आप लोगों को मिल जाए। तो इसके ऊपर TDS ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने टैक्स अथॉरिटीज़ को लिखा, तो टैक्स अथॉरिटी ने पूरी कंपनी वाइज डिटेल दिया है। उसने अब तक पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 9 सालों में सिर्फ 380,000 TDS डिपॉजिट किया। 10 साल में सिर्फ 380,000। और अगर किसी के पास TDS सर्टिफिकेट जो उसने इशू किया है अगर वो उनके पास है तो वो लोग TDS क्लेम कर सकते हैं। तो मतलब जब नहीं किया हो तो सर्टिफिकेट ही नहीं है। नहीं, अब वो लोग अगर लग रहा है ऐसा कि हमने TDS भरा है तो अगर TDS का देखो TDS नंबर किससे आइडेंटिफाई होता है, आपके पैन कार्ड से डाल रहता है। अगर आप पैन कार्ड डालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपके नाम पर कितना TDS है। आप किसी भी CA कॉन्टेक्ट करोगे वो आपको बता देगा। मगर जो इन्फॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट से आई है, जो कि इस बार डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंपिटेंट अथॉरिटी ने कोर्ट में सबमिट किया है कि TDS सिर्फ 380,000 अक्रॉस ऑल एंटिटीज। अच्छा, तो ये है पोजीशन। तो मैं ऑल्सो आई वॉज अंडर इंप्रेशन कि 200-300 करोड़ रहेगा TDS, मगर वो 380,000 ही है। वो रिपोर्ट्स भी हैं मेरे पास, चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में दूंगा। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल ताहिर भाई कि जो लोग ज्वेलरी डिपॉजिट किए हुए थे, ठीक है ना, तो उसका क्या है, कुछ उम्मीद है लोगों को मिलने? देखिए मैंने भी अब तक 30 एप्लीकेशन फाइल की हैं और भी कुछ लोगों ने शायद फाइल की होगी, और जितने भी उन्होंने मॉर्टगेज किया है उनके बारे में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जितनों ने भी किया उनके पूरी ज्वेलरी मिलेगी उनको अपना पैसा देना पड़ेगा, ज्वेलरी मिलेगी। ये प्रोसेस डिले सिर्फ हो गया मेरे एंड में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना SIT से CBI का जो ट्रांजिशन ट्रांसफर पीरियड है वो 1 महीने में वेस्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट डेट में CBI ने बोला कि ऑब्जेक्शन डालने को, ऑब्जेक्शन डाल के फिर हेयरिंग करके ऑर्डर हो जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन ने जिसकी एप्लीकेशन भी सब, और SIT ने बकायदा चार्जशीट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में उन्होंने डाले हैं उनमें पूरे जिन्होंने मॉर्टगेज किया है उनकी मंथ वाइज लिस्ट दी है उनकी क्या क्या ज्वेलरीज है, वो पूरी लिस्ट है उनके पास जी। तो किसी भी हालत में आप लोगों का क्लेम कहीं जाने वाला नहीं है। बाई चांस अगर आपकी ज्वेलरी नहीं मिली तो जो अमाउंट की आपका जो वैल्यू है ज्वेलरी की वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। और जिनके जो भी मॉर्टगेज ज्वेलरी रखी है वो आप पैसा देके आपका ज्वेलरी सेफ है, नहीं अगर नहीं है तो आपका अमाउंट भी जो आपका ज्वेलरी का जो अमाउंट है वो भी आपको मिल सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हियरिंग में ताहिर भाई देखते हैं कि क्या होता है, इस बीच में और कुछ आएगा तो इन लोग को अपडेट देंगे। इस दौरान मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना देता हूँ, मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया है एम्बिडेंट के लिए और इंजाज के लिए। अच्छा, तो मैंने उन लोगों को बताया भाई ऑलरेडी एम्बिडेंट और इंजाज का बहुत लेट हो गया है, और भी कुछ प्रोसीडिंग्स हुई हैं सही या गलत कुछ प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तो हमें कोई नया प्रोसीडिंग करने से पहले उसको पूरा स्टडी करना है। तो मैंने ऑलरेडी इंजाज से रिलेटेड और एम्बिडेंट से रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने अप्लाई करके हूँ। एम्बिडेंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट आ गए, इंजाज के कल या परसों आ जाएंगे। वो पूरे डॉक्यूमेंट स्टडी कर मैं क्या बेस्ट स्टेप हो सकता है जिससे कि जो लोगों को जो भी पैसा मिल सकता है थोड़ा बहुत वो मिलने के लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। और वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी हम तो और कंपनियों के नाम ले रहे हैं, अजमेरा के नाम ले रहे हैं, आला का नाम ले रहे हैं, या हीरा ग्रुप के भी लोग बहुत नाम ले रहे हैं। देखिए इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर चीज़ का एक लीगली स्टेट तरीका है। वो तरीके में जाएंगे तभी रिलीफ मिलेगा। एम्बिडेंट IMA में मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? IMA हमने स्टेप टाइमली ले लिया है, वो स्टेप लेने की वजह से आज हमें उम्मीद है कि इतना परसेंट मिल सकता है। जो दूसरी कंपनीज है स्टेप टाइम में नहीं लिया है और वो बेकार के चीज़ों में करके इन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। आज भी अगर वो स्टेप लेंगे तो आज जो बचा हुआ है उसमें उनको पैसा रिलीफ मिल सकता है। और अभी तक एम्बिडेंट और एंजास के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह और लोग भी सामने आएंगे मेरे पास आएंगे, तो मैं जो देख के डॉक्यूमेंट्स देख के क्या कर सकता हूँ वो मैं इंशाल्लाह उसके लिए मदद करूँगा। ठीक है, तो ताहिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आके अपडेट देने के लिए। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर YouTube चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में एक बटन है आपको बेल का, उसको कीजिए तो नोटिफिकेशन जाएगा, तो कोई भी अपडेट IMA से रिलेटेड होगा आपको वक्त पे मिलेगा, नहीं तो बेकार का आप ताहिर भाई को फ़ोन करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे, वही चीज़ आप YouTube में आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।